दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वंदा गुलाटी और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप में से कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चों को पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में बहुत समस्या होती है, या कुछ ऐसे बच्चे जो बड़ी मेहनत से कुछ याद करते हैं और थोड़ी ही देर में भूल जाते हैं? दोस्तों, अगर हाँ तो ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए वरदान साबित हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिनकी मदद से बच्चे अपनी मेमोरी और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बताएंगे दो बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो आपके बच्चों की मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिनकी मदद से बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी पावर इम्प्रूव हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहला टिप, बच्चों को 7 से 8 घंटे की नींद एक दिन में लेना बहुत जरूरी है। अगर वो नींद पूरी नहीं लेते किसी भी कारण से तो उनकी मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर पे बहुत बुरा असर होता है। दूसरा टिप दोस्तों, कि बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाना चाहिए। आजकल देखा जाता है कि बच्चे बाहर का खाना खाने में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, घर का बैलेंस्ड फूड खाना पसंद नहीं करते, पर बच्चों, अगर आप अपनी मेमोरी और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको बैलेंस्ड मील्स लेने की आदत डाल लेनी चाहिए। तीसरा इम्पोर्टेंट टिप दोस्तों, कि बच्चों को एक टाइम टेबल सेट करके देना चाहिए। उनके खाने का, खेलने का, पढ़ने का टाइम लगभग फिक्स होना चाहिए। चौथा बहुत इम्पोर्टेंट टिप दोस्तों, कि बच्चों को लगातार 5-6 घंटे एक साथ एक स्ट्रेच में नहीं पढ़ना चाहिए। बच्चे 1 से 2 घंटे के लिए पढ़ाई करें, उसके बाद 15 से 20 मिनट का बीच में ब्रेक जरूर लें, और ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो बच्चों को पसंद है, जैसे कि म्यूजिक सुनना, डांस, ड्राइंग, ऐसी कोई भी एक्टिविटी उस ब्रेक में करने की कोशिश करें। इससे बच्चों का माइंड रिलैक्स होता है और चीजों को ग्रास्प करने की पावर इम्प्रूव होती है। दोस्तों, अगला इम्पोर्टेंट टिप है कि बच्चे फिजिकली एक्टिव रहें। फिजिकली एक्टिव बच्चे मेंटली भी स्ट्रांग रहते हैं। फिजिकली एक्टिव होने के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। बच्चे बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों या बीमारियों से दूर रहते हैं और ये उनके माइंड को भी तरोताजा रखता है। दोस्तों, आखिरी बहुत इम्पोर्टेंट टिप है कि बच्चे घर पर ही ना बैठे रहें, बाहर जाकर अपने दोस्तों से जरूर मिलें, दिन में थोड़ा ही समय निकालें और सोशलाइज करने की कोशिश करें। तो आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं दो बहुत ही इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आपके बच्चों की मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, आप इन मेडिसिन को अपने बच्चों को लगातार 1.5 से 2 महीना दें और आप बच्चों की मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर में चेंजेस खुद महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, पहली इम्पोर्टेंट मेडिसिन है ब्राह्मी मदर टिंचर, इसे हम बकोपा म्यूनेरी भी कहते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन उन बच्चों में इंडिकेटेड है जिन बच्चों को कुछ भी याद करते ही तुरंत भूल जाता है, और अगर आप ये मेडिसिन उन बच्चों को लगातार देंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि ऐसे बच्चों की मेमोरी पावर इम्प्रूव होती है। दोस्तों, अगली इम्पोर्टेंट दवाई है अश्वगंधा मदर टिंचर। दोस्तों, ये ऐसे केसेस में इंडिकेटेड है जहां बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जैसे ही पढ़ने बैठते हैं उनका मन या दिमाग इधर उधर दौड़ने लगता है, साथ ही साथ उन्हें चीजों को याद करने यानी मेमोराइज करने में भी दिक्कत होती है। दोस्तों, अश्वगंधा मदर टिंचर इज अ ग्रेट ग्रेट मेंटल टॉनिक, और अगर आप लगातार ये 1.5 से 2 महीना अपने बच्चों को देते हैं तो ये उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड स्टे सेफ।